इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम का नहीं रात हो गया, 8 बज गया है ना सिवान। तो अभी जाके आए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कुछ सामान लेके आना है, राशन खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे, रात के 8 बज रहा है, तो अभी जा रहे हैं सामान लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, चल के आप सबसे मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। वैसे तो बहुत सारा सामान लेना है क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है और आज संडे भी है, तो ये अभी आए हैं इसलिए लेट हो गया है। तो अभी चलिए चलते हैं। चीकू टकला खा ले के, चलो पहले ले लेंगे, चलो लेके। कहाँ लेके गए हैं गाड़ी? इधर रखे हैं, दे दो, डैडी टांग देंगे। हेलो शिवांश, शिव बाबा, शिवांश, शिव बाबा, फाइनली हमारा पूरा सामान हो चुका है। अभी यहाँ पे बन रहा है बिल और बस सामान लेके निकलेंगे, लेकिन अभी पूरा सामान नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा चावल लेना था, चावल तो रह गया था, चावल नहीं ले पाए थे क्योंकि सामान भी ज़्यादा हो गया था। और फिर कैसे लेके जाते, या तो टेम्पा करना पड़ता या फिर, इसलिए मतलब नहीं लिए चावल, चावल रह गया था। ये बोले कि चावल हम बाद में लेके आएंगे, चावल भी ख़त्म हो गया था, यही सारा सामान मतलब लिए हैं। कैसा लगे? तो अभी चलिए चलते हैं। तो ये दिखा रहे थे ना कि इतना बड़ा बिल बन गया है, सामान लेना था। वैसे गांव चले गए थे ना, तो सारा सामान उसी टाइम ख़त्म हो रहा था, लेकिन गांव जाना था तो सामान भरवाए नहीं थे क्योंकि रहना ही नहीं था। और ये थे तो उतना घर पे खाते नहीं थे, घर पे बनाते ही नहीं थे, बाहर से ला के खाते थे, इसलिए। तो अभी आए हैं तो सामान पूरा भरवाना था, इसलिए लंबा छोड़ा लिस्ट बन गया है। तो लेना ही था, ख़त्म हो गया तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी चलिए चलते हैं, सामान भरेंगे। तो मैं तो पहले से मतलब घर से आई थी, तो वो झोला लेके आई थी, झोला में 2 बोरी डाल ली थी
क्योंकि मुझे पता ही था कि मतलब सामान ज़्यादा ही होने वाला है, तो ये मैं बोरी ले ली थी, क्योंकि यहाँ से अगर आप सामान भरने के लिए लेंगे थैला तो उसका भी वो लोग पैसा ही लेते हैं, तो इससे अच्छा कि घर से ही लेके आ जाएंगे तो रख के लेके चले जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी सारा सामान पैक कर लेते हैं, पैक करके चलिए चलते हैं। चॉकलेट भी लिए हो क्या? और सारा सामान भरने के बाद ये ट्रॉली खाली हो गया था, तो ये लेके गए थे ट्रॉली रखने के लिए। और अभी क्या करते हैं ना, सामान देखिए, वैसे दो बोरी में लेके आई थी ना, और एक थैला लेके आई थी उसमें भर गया था, और एक ये वाला थैला ना स्कूटी में रखे थे ये भी काम आ गया। तो अभी बस अपनी स्कूटी पे हम लोग बैठ गए हैं और सारा सामान लेके बस निकल रहे हैं। और देखिए कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, वैसे ये थोड़ा सा ना मार्केट से हट के है, ये मार्केट में भी है तो वहाँ पे तो इतना भीड़ होता है ना कि पूछिए मत। तो मैं इनसे बोली थी कि चलिए, यहीं बोले थे कि उधर थोड़ा सा खाली मिलेगा, मार्केट वाला जो है ना अंडी मार्ट वहाँ तो बहुत ही भीड़ होता है, और संडे भी था तो और ही भीड़ था, उधर से होके हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ रास्ते में ये रुक गए थे क्योंकि खाना लेना था, सामान लेते लेते काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी क्या 10:30 बज गया था, 8 बजे हम लोग निकले ही थे, 8:15 बजे, तो बहुत लेट हो गया था। तो सोचे कि इधर से खाना लेके चलते हैं, क्योंकि जान के खाना बनाने में तो ज़्यादा टाइम लग जाता। और श्रेयांश का मन भी था, आज था फादर्स डे, तो बोल रहे थे बाहर से, वो तो उनका तो मन था कि होटल में ही आएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, तो बस इधर से ये लोग खाना लेके, और यहाँ पर भी लेट हो गया था, पता है आधा घंटा तक हम बैठे रहे क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भी था और पार्सल करवाने के तो और ही टाइम लगता है। तो अभी खाना हमारा मिल चुका है, बस चलिए चलते हैं रूम पे, आप सबसे मिलते हैं। लेके जाएंगे चल 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 तुम्हारा ही क्या क्या बात हो नहीं तो चलो। तो अभी हम लोग घर पे पहुंच गए और श्रेयांश को लेके नहीं गए थे, क्योंकि एक स्कूटी पे तीनों लोग जाते फिर सामान नहीं आ पाता, इसलिए श्रेयांश घर ही पे थे, इनको नहीं लेके गए थे। तो अभी सारा सामान चलिए अंदर रख देते हैं, अभी तो वैसे काफ़ी लेट हो गया तो सामान नहीं निकालेंगे, सामान को ऐसे साइड में रख दिए थे और खाना लेके आए थे। तो यहाँ पर देखिए लाए हैं पनीर हांडी, और ये अपने लिए चपाती लेके आए हैं, और श्रेयांश के लिए और मेरे लिए तंदूरी रोटी लेके आए हैं, और चावल है और छाछ है। तो बस हम लोग खाना खाने बैठ गए, आज ही आप सभी खाना खाने के लिए, और खाना खा के, और अभी तो बज गया 11:30 आते आते, मतलब और सब थोड़ा बहुत बीच में काम किए, फिर बज गया 11 बजे खाना खाने बैठे थे, 11:30 बज गया सोने में, 12:00 बज गया, वैसे तो रोज ही हो जाता है 12 बजे सोने का टाइम। और अभी हो गया है सुबह, तो गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं 6, और अभी सब लोग सोए हैं तो मैं उठ गई थी, आज भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ और दाल चावल रोटी। तो अभी श्रेयांश को उठाई, श्रेयांश गए हैं नहाने के लिए, शिवान सोए हैं, तो अभी इनको तैयार करके और भेजेंगे। देखिए अभी शिवान सोए हैं और इनको उठाना बड़ी मुश्किल का काम है।
तो श्रेयांश तो स्कूल चले गए हैं, अभी शिवांश का टाइम हो गया था स्कूल जाने का, तो इनको मैं जगा ही रही थी कि चलो नहला देती हूँ ब्रश करा के। तो देखिए इनका इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं सोने में, क्योंकि रात में पता है रात में बहुत लेट में सोते हैं, जब तक हम लोग सोएंगे नहीं तब तक इनको नींद नहीं आती। ये नहीं ना कि 10 बजे भी खाना खा ली, 11 बजे खाना खा ली तो सो जाए तुरंत, नहीं, जब तक हम लोग खाएंगे नहीं, रूम में जाएंगे नहीं, लाइट बंद नहीं होगी तब तक इनको नींद नहीं आती है। तो रात में लेट में सोएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, तो सुबह उठाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी कैसे करके देखिए उठेंगे, वो भी उठते उठते कितना इधर उधर सोए, फिर थोड़ा सा डांट खाए, उसके बाद जाके उठे, फिर ब्रश कराई, फिर नहलाई। तो अभी तो नहला दी हूँ, नहला के कपड़ा वपड़ा पहना दी हूँ, ड्रेस पहनाना तो पहना दिया। अभी इनके लिए मैं दूध निकाल रही हूँ, तो थोड़ा सा दूध दे रही थी पीने के लिए, इसमें बॉर्नविटा मिला के, वो भी दूध पीते हैं कि नहीं, क्योंकि लेके गई थी, देखिए अभी लेके जाऊँगी ना तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं दूध नहीं पीना है, दूध भी नहीं पियेंगे और कुछ खाएंगे भी नहीं, खाली पेट जाना है। तो इनको मैं बोली कि आप दूध पी लोगे ना तो मैं आपको ओरियो बिस्कुट लेके आई हूँ ना वो मैं दूँगी, तब बोले कि चलो ठीक है पी लेता हूँ, तो भुलवा भुलवा के तो पिलाना पड़ता है। और उसके बाद कल ना मार्केट गए थे ना, तो मतलब डी मार्ट गए थे सामान लाने के लिए, तो वहाँ से ना बॉटल ले लिए थे पानी पीने के लिए, श्रेयांश का भी और इनका भी। तो वो बोल रहे थे कि मुझे अभी बॉटल लेके जाना है, मैं बोली कि सामान दोपहर में निकाल दूँगी फिर मैं दूँगी तो कल से लेके जाना, लेकिन नहीं उनको अभी लेके जाना है तो अभी लेके ही जाना है। तो मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि सामान में नीचे रख दिए थे, हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि टूटने फूटने वाला जो सामान था ना ऊपर रख दिए थे, बाकी सब बॉटल वोटल था वो नीचे रखे थे, तो मुझे नहीं दिख रहा था। तो मैं इनसे बोली थी कि देखिए ना, क्योंकि थैला वाला में तो इस थैला में जो जिसमें देख रहे हैं ना इसमें बस बिस्किट रखी थी, तो इसमें बॉटल नहीं था और ये मिला इनको इसी बोरी में। तो मैं सारा सामान निकालना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं निकाल देती फिर पूरा फैल जाता, अभी झाड़ू पोछा किए भी नहीं है, तो यही बोल रहे थे पूरा सामान निकाल दें, तो हम बोले नहीं मिल गया तो निकाल दीजिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करेंगे फिर सारा सामान निकालेंगे फिर लगाएंगे। तो यही बोतल ये देखिए लिए थे, ये श्रेयांश के चॉइस सॉरी शिवांश के चॉइस का ही बोतल है, वो खुद ही पसंद किए थे इस बोतल को लेने के लिए। तो अभी ये बोतल को धो देते हैं, धो के और देखिए इनके बोतल में पानी रात को ही भर दी थी मैं, लेकिन उनको इसमें नहीं लेके जाना था। तो अभी इनके टिफ़िन में एक आलू रोटी देती हूँ और बिस्किट दे देती हूँ, तो बस इनका टिफ़िन भी रेडी हो गया है, अब इनको छोड़ने जाएंगे स्कूल। तो चलिए इसी साथ इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं ऐसी नई नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, बाय।